डन सोनू, वेल डन। जो खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए सोचते हैं ना, वो हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अजय बेटा, इसका श्रेय तुम्हें भी जाता है। हाँ अजय जी, आपने तो कमाल कर दिया। ये दिवाली हम गोकुलधाम निवासियों को हमेशा याद रहेगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मुझे भी हमेशा याद रहेगी। मैं जरा आरती करके आपका स्वागत करना चाहती हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं आप लोगों को किसी से मिलवाना चाहता हूँ। अच्छा? नमस्ते। अजय भाई, ये कौन है? अरे भाई, इन्होंने अजय जी की फिल्म शिवाय में इनकी बेटी का रोल किया है। ओह अच्छा, बिल्कुल सही कहा। शिवाय में ये मेरी बेटी है और शिवाय भी एक बाप बेटी की कहानी है। ऐसे कहूँ तो एक बाप बेटी का रिश्ता और बाप बेटी की लव स्टोरी है। हेलो बेटा। हेलो पप्पी टंकू, हाउ आर यू? क्या बात है, क्या बात है। ओ पप्पू, ओ अजय देवगन जी जैसे वर्ल्ड फेमस है, तू भी अभी वर्ल्ड फेमस हो गया भाई। और देश ही नहीं विदेश में भी तेरे को सब जानते हैं। हाँ, वो तूफान एक्सप्रेस की वजह से। यस सर अंकल। वो तो मैनू भी जानती है। हाय टापू सेना। और इसे इंडियन कल्चर भी देखना था, दिवाली मनानी थी, तो मैंने सोचा कि सबसे अच्छी दिवाली तो यही मनाई जाती है, तो यही ले आता हूँ। अजय भाई, हमारी तो इच्छा है कि आप हर साल दिवाली हमारे यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में ही मनाएं। हाँ। अरे दया भाभी, सिर्फ दिवाली क्यों? अजय जी, हम तो चाहते हैं कि साल में जितने त्योहार आते हैं वो सारे त्योहार आप हमारे साथ गोकुलधाम में मनाएं। तो उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्या? आप हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में फ्लैट ही खरीद लीजिए। सही बात है, आइडिया बुरा नहीं है। और फिर मजा आएगा, काजल भाभी भी यहाँ पर आएंगे, हम सब लोग मिलकर गरबा करेंगे। अगली बार गरबा में उसको भी लेके आऊंगा। अरे फिर तो अजय भाई बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हमारी सोसाइटी में पत्रकार है, लेखक है, डॉक्टर है, मैं साइंटिस्ट है, बिजनेसमैन है, तो फिर एक सुपरस्टार भी आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपको यहाँ तरह तरह की डिशेस खाने को मिलेंगी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, साउथ इंडियन, फारसी, मतलब बहुत मजा आएगा यहाँ पे आपको। और फिर अब्दुल भाई की सोडा शॉप में सोडा पीते हुए जबरदस्त धमाल, मस्ती और हंसी भी फ्री मिलेगी जी। आप लोगों की बातें सुन के सोच रहा हूँ खरीद लूं, लेकिन ऐसे नहीं, आप लोगों को सरप्राइज दूंगा। अजय भाई, आज आप कमाल कर रहे हैं, सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहे हैं। अरे यही नहीं मेहता साहब, इनकी फिल्म में भी सरप्राइज पे सरप्राइज है। हाँ सर, शिवाय में तो एक से एक एक्शन है। और सर सच कहूँ तो मैं आपके एक्शन का बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच सर। मैं तो आपको एक्शन देवगा नहीं बुलाता हूँ। टप्पू सेना, अजय जी की फिल्म में सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि एक्शन के साथ इमोशंस भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आजकल कैसी कैसी फिल्में आ रही है, लेकिन आपकी फिल्म तो पूरा परिवार एक साथ बैठ के देख सकता है। सही बात है, बिल्कुल। हम सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोगों को बस पसंद आए। आएगी, जरूर आएगी अजय भाई, आपकी हर पिक्चर लोगों को पसंद आती है। और देखना, ये भी पसंद आएगी और ये भी हिट हो जाएगी। अरे हिट नहीं जेठालाल, सुपर हिट होगी, क्योंकि इसमें एक नहीं अजय जी ने दो काम किए। डबल काम मतलब आपने डबल रोल किया? अरे यार भाई नहीं, डबल रोल मतलब इन्होंने फिल्म में एक्टिंग भी की है और फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। अरे फिर तो फिल्म हम सब जरूर देखेंगे। प्लीज। वैसे फिल्म की हीरोइन भी बहुत सुंदर है। अरे पोपटला, मैं क्या कहता हूँ अजय भाई, ये तो लगे पूछ लो ना, हीरोइन अगर कुंवारी हो तो बात चला है। पोपटलाल, अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई? नहीं, लगभग ऐसे सब रेडी है। सिर्फ एक लड़की मिल जाए। लड़की नहीं मिल रही है। अजय भाई कुछ कीजिए, देखिए अगर इस बार ऐसी शादी नहीं हुई ना तो मुझे लगता है साधु बनकर हिमालय में चला जाएगा। और अजय भाई, आपने तो ये पिक्चर की शूटिंग हिमालय में भी की है ना? हाँ, तो वहाँ भी देखिए कोई जान पहचान हो, कोई पहाड़ी लड़की भी होगी तो चलेगी। नहीं पोपटलाल? बस बस जेठालाल, बस भाई। अजय जी हम लोगों को मिलने आए हैं, हमारी ऐसे बातें सुनने नहीं भाई। चलो चलो सब मिलकर जल्दी दिवाली मनाते हैं। अजय देवगन, मतलब क्या करो, पता ही नहीं था अजय देवगन जी आएंगे, उनके साथ दिवाली मनाएंगे। मस्त तो दिन था आज का एकदम। ये दिवाली हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, खासकर पिछले तीन दिन तो ऐसे लग रहे थे जैसे मेले में वो झूला होता है ना, जायंट व्हील, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हाँ मैंने चॉकलेट क्या बनाई, इतनी बड़ी कहानी बन गई। थैंक यू बाबा, आज मुझे पता चल गया कि आप दोनों मुझसे कितना प्यार करते हो। आज पता चला मतलब? मैं आज तक शंका थी। अरे नहीं नहीं, शक नहीं है। आप लोगों ने मेरी खुशी के लिए अपने गहने तक गिरवी रख दिए। आई बाबा, आई लव यू सो मच, थैंक यू। ये सोनू बड़ा, थैंक यू क्या कह रही है तू? तू ही हमारा असली गहना है। हेलो शर्मा जी, अरे कहाँ हैं आप? मैंने कितनी बार फोन ट्राई किया आपको, आपका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। अरे हमारी क्या हालत होगी पता है आपको? पीडी जी, मैं मिसेस मोना शर्मा बोल रही हूँ। ओह अच्छा, मिसेस शर्मा, हाँ बोलिए मिसेस शर्मा जी। एक्चुअली हम लोग इस वक्त अमेरिका में हैं। अमेरिका? हाँ सॉरी पीडी जी, वेरी वेरी सॉरी, लेकिन हमारी जो बेटी यहाँ अमेरिका में रहती है उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए हमें अर्जेंट में जाना पड़ा। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, अभी कैसी है आपकी बेटी की तबीयत? अब सब ठीक है, और हम जैसे ही इंडिया आएंगे हम अपना ऑर्डर ले लेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आई प्रॉमिस, हम आपका कोई नुकसान नहीं होने देंगे। नहीं नहीं मिसेस शर्मा जी, आप ऑर्डर की फिक्र मत कीजिए, ऑर्डर किसी और ने ले लिया है। आप अपनी बेटी का ख्याल रखिए, उसके साथ रहिए, पर हाँ जब भी आप इंडिया आए तो मुझे फोन कीजिएगा। आपने जो एडवांस दिया मैं आपको वापस लौटा दूंगा। एक बात कहूँ भिड़े जी, आप बहुत ही नेक इंसान हैं। मिसेस शर्मा जी देखिए, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ तो मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। थैंक यू सो मच भिड़े जी। हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। हाँ आप सबको भी हैप्पी दिवाली। माधवी, जीवन में परिस्थितियाँ कभी भी बदल सकती है, नहीं कभी भी मुसीबत आ सकती है, लेकिन अपनों का साथ और परिवार का प्यार ही हमें मुसीबत के पार ले जाता है। करेक्ट, जैसे हमारी गोकुलधाम सोसाइटी हमारा एक परिवार है और हम हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। असली मजा सबके साथ आता है। तारक देखिए ना, वक्त भी टेक्नोलॉजी जैसा हो गया है। मतलब ये कि एक के बाद एक रोज नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, वैसे ही अपने भारत में एक के बाद एक नए नए त्योहार आते हैं। गणेश उत्सव, नवरात्रि, दशहरा और अब तो दिवाली भी हो गई। ये तो वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। दिवाली भी हो गई, कल नया साल आ जाएगा, फिर भाई दूज, एक के बाद एक। वैसे तारक, ये नया साल पूरे भारत में नहीं मनाते ना? हाँ, अब भारत तो विभिन्न संस्कृतियों का देश है ना अंजलि, तो अलग अलग जगह, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तारीखों को नया साल मनाया जाता है। हमारे पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से लोग 31 दिसंबर की रात को नया साल मनाते हैं, और कई जगह तो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र महीने की पहली तारीख को नया साल मनाया जाता है, कई जगह 14 अप्रैल को नया साल मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, भारत इतने रंगों का देश है, इतनी संस्कृतियों का देश है कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम भी दिए गए नए साल। जैसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहते हैं, हमारे सिंधी में उसको चेटीचंड कहते हैं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में से उगाड़ी कहा जाता है, और पंजाब में बैसाखी। एग्जैक्ट, और हमारे गुजरात में भी तो कार्तिक महीने की पहली तारीख को नया साल, नूतन वर्षाभिनंदन। नूतन वर्षाभिनंदन, बिल्कुल। और आप ये देखिए, विक्रम संवत 2073 की शुरुआत, पहला दिन, क्या खुशियाँ होंगी गोकुलधाम में। हाँ तारक, हम भी कल सुबह जल्दी उठ के जल्दी तैयार होके नए साल का दिल से स्वागत करेंगे। बिल्कुल, हर आदमी जल्दी उठेगा। और मुझे सिर्फ मेरे दोस्त जेठालाल की चिंता है, उसके लिए जल्दी उठना मतलब रेलगाड़ी से चांद पे जाना जितना मुश्किल है। तारक आप चिंता मत कीजिए, नए साल के दिन जेठा भाई भी जल्दी उठ जाएंगे। Yeah. बंद हो गया। तुझे कैसे पता चला माँ का फोन था? वो क्या है कि वो गीत है ना, अरे माँ को बहुत पसंद है। तो अभी सासू माँ गा रही थी। तो क्या है कि माँ को ये गाना बहुत ही पसंद है ना, तो मैंने टप्पू को बोल के आफ्टर फन में माँ के नंबर पे ये गाना फिट करा दिया। बोलो सासू माँ को डॉन का गाना पसंद है, और हो गई ना तो खुद भी एक प्रकार की डॉन ही। साल मुबारक, नूतन वर्ष अभिनंदन, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ माँ पाई लागू। ओहो माँ, ये नए साल के पहले ही दिन तुम्हारे मीठे मधुर आवाज में आशीर्वाद मिल गए हैं। वाह, अब तो मेरा पूरा साल एकदम मीठा मधुर जाएगा। हाँ थैंक यू। हाँ धीरे। हाँ माँ, 10 रुपए का चकचकी सिक्का उठ गए हैं। 10 रुपए का सिक्का, ये क्या नाम हुआ? बराबर है ना, 10 रुपए का सिक्का भी गोल मटोली होता है ना। देती हूँ उनको बोल, मैं बाद में फोन करूंगा शांति से, ना के चकचकी तो के। अरे हाँ, आप फिर से बाद में फोन कर लेना, लेकिन अभी जरा 2 मिनट। हेलो, नूतन वर्ष अभिनंदन, साल मुबारक, पाई लागू। ओके ससुमा, बाद में शांति से फोन करता हूँ। हाँ कह देती हूँ। टप्पू के पापा, माँ आपको आशीर्वाद दे रही है कि ये नए साल में आपको पैसे, सुख, समृद्धि और बुद्धि बढ़े। पैसा, सुख, समृद्धि तो बराबर है, बुद्धि बढ़े। वो क्या है कि टप्पू के पापा, बच्चे चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, वड़ीलों को बच्चों की बुद्धि कम ही लगती है। आपको हाँ, टप्पू के पापा ने तुम्हें आशीर्वाद के लिए थैंक यू बोला है। अरे हाँ, और बताओ सुंदरीदा कैसा है, क्या कर रहा है? वो सो रहा है। नहीं माँ, सोने दो उसे, सोने दो। माँ क्या है कि ये नए साल के पहले दिन सुंदरीदा की नींद बिगड़ जाएगी ना, तो पूरे साल उसकी नींद बिगड़ती रहेगी। सुंदर की नींद, मेरी नींद कुछ नहीं। क्या? कुछ नहीं भाई। साल मुबारक। साल मुबारक। और माँ बोलो, पोल में सब लोग कैसे हैं? सबको मेरी तरफ से नूतन वर्ष अभिनंदन कहना। पोची भाई, भोदी भाई, राकेश भाई, जयवल भाई, भूषण भाई, चकू बहन, चकू मासी, सबको। चल मैं भी फोन रखती हूँ। अरे ये क्या, टप्पू के पापा अब फिर से सो गए? चलिए उठिए। टप्पू के पापा चलिए उठ जाइए। देखिए मेरी माँ हमेशा कहती है कि नए साल के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं ना, तो गणपति बापा, श्री सरस्वती माँ, श्री लक्ष्मी माँ, उनके आशीर्वाद मिलते हैं। हाँ तो भाई, नए साल के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में मैं जागी रहा था ना, तो उसमें मुझे गणपति बापा, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, सासू माँ, सबके आशीर्वाद मिल ही गए ना। हा? अभी सोना देता। अरे टप्पू के पापा उठ जाइए ना, ऐसा क्या करते, उठ जाइए। टप्पू के पापा, नए साल के पहले दिन आप बापूजी की डांट खाएंगे ना, तो आपको पूरे साल बापूजी की डांट ही खानी पड़ेगी। तो बराबर है ना? तो अब आप जाग गए? हाँ जाग गया भाई, जाग गया। तो टप्पू के पापा आप जल्दी से नहा के तैयार हो जाइए, तब तक मैं बाकी के काम निपटाती हूँ। चलो शाबाश शाबाश, जल्दी। मैं तैयार हूँ। टप्पू के पापा, ओहो आप तो राजवी परिवार के महाराज लग रहे हैं। अच्छा, मतलब महाराज मतलब किस टाइप का महाराज? पूजा पाठ करने वाला क्या, रसोई बनाने वाला? अरे महाराज मतलब महाराजा। ओहो, आप एक काम कीजिए, आप जाइए तो सही, टपकू पापा जाइए ना, मैं बुलाऊं तभी आना। हाँ वहीं पर ही रहना। टपकू पापा साल मुबारक। अरे साल मुबारक दया, साल मुबारक, साल मुबारक। तुझे भी दया, तुझे भी नूतन वर्ष अभिनंदन, नूतन वर्ष अभिनंदन। मुँह मीठा कीजिए। भगवान करे तू इसी तरह हंसती खिलखिलाती रहे और तेरी सारी मनोकामना पूरी हो। थोड़ी और गा। आपकी भी सारी मनोकामना पूरी हो। नया वर्ष हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आता है और खुशियां जीवन में बनी भी रहनी चाहिए। हिंदू संस्कृति के अनुसार हम नववर्ष साल में 2 बार मनाते हैं। एक बार दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुद्ध एकम को और दूसरी बार चैत्र शुद्ध एकम यानी कि गुड़ी पड़वा। नए वर्ष पे हम एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, जीवन में खुशी की कामना करते हैं और यही जीवन में होना भी चाहिए। भारत त्योहारों का देश है, चाहे नया वर्ष हो, दीपावली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, हम सभी त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। यही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी विशेषता है। नया वर्ष आ चुका है, ये नया वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, उल्लास लाए, उमंग लाए, आनंद लाए। आपके जीवन में हमेशा खुशी रहे, दुख ना हो। आपके जीवन में आप स्वच्छता को अपनाएं, इस देश को आगे बढ़ाएं और जीवन में जितनी भी खुशियां हैं वो प्राप्त कर सकें। यही शुभकामनाएं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से। और हम आपको यूं ही हंसाते रहें। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।